हेलो, वेलकम बैक टू द कुकी विद डोरेमन। आई एम इतिया अग्रवाल। सो मैं कुछ नए अटायर में दिख रही होंगी आपको। सो अगर आपने मेरा शॉर्ट्स ऑलरेडी देख लिया है तो आपको पता होगा कि अभी मेरी इंटर्नशिप फर्स्ट चल रही है, जिसमें हमें बनस्थली से निवई जाना होता है रोज़ाना, एंड वहाँ पे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं। हम लोग बेसिकली इमैनुअल में जा रहे हैं। सब लोग इमैनुअल में नहीं जा रहे हैं, मेरे को इमैनुअल में जाना है। एंड मुझे 9th क्लास मिली हुई, जो कि सच अ टास्क टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये व्लॉग स्टार्ट मैंने अभी इस वजह से किया है क्योंकि जो मेरे दोनों रूममेट्स हैं, यू नो दीक्षा एंड सुरभि, तो उनकी स्कूल दूसरी है। तो अगर मैं बाद में ब्लॉग स्टार्ट करूंगी तो वो कैसे ब्लॉग के अंदर आएंगे। सो आई जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ। तो ये लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिकॉज ऊपर से नीचे तक रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग रेडी इसलिए हुए बेसिकली क्योंकि मतलब नहीं निकलता उस चीज का, क्योंकि ना आज पूरा दिन देखना कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ऑल्दो मेरे लिए इतना हेक्टिक नहीं होगा बिकॉज मैंने कल का जो लेसन प्लान है वो ऑलरेडी बना रखा है, मुझे बस चेक कराना है। तो बट फिर भी उसका आईएसएम आप आगे ब्लॉग देखते जाइए, आपको पता चलता रहेगा। ऑल्दो मैं एट प्रेजेंट सिर्फ साड़ी मैंने ड्रेप की है, एंड ड्रेप नहीं किया है, एक्चुअली प्री ड्रेप साड़ी है जो नीचे से एंड ऊपर से दोनों साइड से स्टिच है, मुझे सिर्फ उसको पहनना था। तो अभी मेरे को तैयार अब होना है, तो फिर अभी तैयार होकर मिलते हैं। हेलो, सो आई एम रेडी। मैं पूरी एकदम ग्लैमर हो चुकी हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है बिकॉज पढ़ाने जाना है, फालतू में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो मैंने नेक पीस डाला है, कान दुख रहे थे तो छोटे से टॉप्स डाली, एंड वॉच इस तरीके से पहनी सो दैट जब मैं पढ़ाऊँ तो मुझे टाइम दिख सके कि मेरा पीरियड कितना बचा है, बिकॉज अब इतनी हैबिट नहीं हुई है एकदम फिक्स पढ़ाने की, तो बार बार टाइम दिखना पड़ता है कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम हुआ है। एंड माई साड़ी समथिंग लुक्स लाइक दिस, पूरा वर्क है ऐसा वाला, एंड इसका ब्लाउज ये है विद द सेम कलर। एंड लेट मी शो यू। सो फटाफट से टाइम हो चुका है, इट्स 8:35, एंड 40 पे बस आ जाएगी, एंड बाहर स्टॉप पे भी जाना है। सो सी यू एट द स्टॉप। यार तो ये रहे बस, समथिंग लुक्स लाइक अभी हम लोग निकल रहे हैं। लंच ब्रेक हो रहा है एंड स्टाफ रूम लुक्स लाइक दिस। वैसे तो ये लाइब्रेरी है बट फिर भी स्पेशल अपीयरेंस। ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रीचेक हो रहा है कि क्या क्या दिक्कत थी लोग का। व्लॉग है अभी मैं आ रही थी तो क्लास से, मैं एक लड़की मुझसे पूछ रही, मैम आप लंच नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं बेटा बाद में करेंगे। तो शी वाज लाइक व्हाई मैम, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। आई एम सो क्यूट, मेरी क्लास के बच्चे भी शायद इतने अच्छे होते। एंड वन मोर गेस्ट अपीयरेंस, हाय गाइस, ये इंग्लिश वाली मैम, इंग्लिश वाली मैम 6th इनको सेक्शन में नहीं पता, एक इंग्लिश वाली। नो नो, यू फेल्ड इट, यू डोंट रिमेंबर इवन योर क्लास। आई रिमेंबर माय क्लास, आई रिमेंबर फेसेस ऑफ माय ऑल स्टूडेंट्स। या ये मैडम इनकी क्लास में तालियां बजवा रही है बहुत ज्यादा, और बच्चे जूतों से तालियां बजाते हैं, तस्वीर में भाई जूतों से तालियां बजाते हैं। दिस इज हाउ शी मैनेज हर क्लास। ओके बाय गाइस। हेलो, तो वापस बस में बैठ गए, एंड जो मैं सुबह बोल रही थी कि मेरा लेसन प्लान बना हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैम का मैसेज आएगी परसों छुट्टी पर, तो अभी जाके लेसन प्लान बनाना है, एंड उसको आई थिंक वही 6 बजे के पहले चेक कराना होगा। और 1 तो बज चुके हैं, जाते जाते खाना खा के फ्री होंगे, 2 बजे आराम से बजेंगे, और आगे का पढ़ना भी है पहले, फिर उसी के बाद बन पाएगा। तो हेलो, सो आई एम बैक। तो 2 बज चुके हैं एज यूजुअल, दोबारा लेसन प्लान बनाने बैठना पड़ा है क्योंकि अभी मैम का मैसेज आया कि 4:45 वो चेक करेंगी। एक कंप्लीट है, 2.5 घंटे हैं एक और बनाने के लिए,
तो अभी मैं बुक से रीड कर रही हूँ, सो लेट्स सी कि किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करते हैं। सो लेसन प्लान मेरा कंप्लीट हो चुका है, उस पर मैंने बहुत सारा काम कर लिया। मैं रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गई थी। एट प्रेजेंट घड़ी में 4:05 हो रहे हैं, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, मुझे 4:30 लेसन प्लान चेक कराने जाना है। तो मेरा लेसन प्लान बिल्कुल तैयार है, उसमें मैंने सारे मिनिएचर्स वगैरह सब लगा दिए हैं। एंड मैंने जो कल मुझे साड़ी पहननी है वो मेरी वॉश नहीं थी, तो मैं सो भी फटाफट से जाके वॉश की। फिर मैं सोची कि यार बेडशीट्स भी चेंज कर देती हूँ, बिकॉज 1 वीक हो चुका है, तो फिर इसलिए मैंने बेडशीट भी चेंज करके बेडशीट भी धो दी। तो अभी मैं सारे कपड़े धो के उनको सुखा कर आई हूँ, एंड अभी मेरे पास अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स हैं, और अभी तक मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। नाश्ता करने का मेरा मन नहीं था, वहाँ कुछ टाइम भूख लगी तो मैंने थोड़े से चिप्स वगैरह खाए थे, एंड लंच मैंने किया नहीं था बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा गर्मी में आई थी कि मैंने पूरा 1 लीटर पानी एक बार में पी लिया था, तो मेरी सारी भूख उस टाइम पर मर गई थी। तो आई एम प्लानिंग कि अभी मैं जाऊँगी ना, तो जब मैं रिटर्न होंगी तो मैं मार्केट से ना वो दही का पैकेट ले आऊँगी, ताकि मैं उसकी लस्सी बना के पी लूँ, उससे मेरी एनर्जी भी रिगेन हो जाएगी एंड मेरा पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बहुत गंदा हो रहा है कमरा, बिकॉज लिटरली रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिन में 3 बार झाड़ू निकल रही, तो भी इतना गंदा कमरा हो रहा है। तो आई एम प्लानिंग कि अभी बस 20-25 मिनट्स है, तो मैं एक बार सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। ऑल दो मैंने मेरा बेड वगैरह सब क्लीन कर दिया, एज यू ऑल कैन सी इधर से सब कुछ एकदम मिट्टी मैंने हटा दी है, और बेडशीट्स भी मैंने चेंज कर दिए। बट मैं सोच रही थी कि थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, एंड एक्चुअली मुझे नया ऑब्सेशन हुआ था कैंडल से, एकदम भरी हुई कैंडल थी, अभी 1 हफ्ते पहले आई थी क्या मैंने खरीदी थी, तो बट ये तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके, बिकॉज मैं उसको रोज़ बर्न कर रही हूँ, लिटरली अभी भी बर्न हो रही है, बिकॉज मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। ये वनीला फ्लेवर की कैंडल है, इट्स रियली नाइस फ्रेगरेंस। एंड अभी मेरे को तैयार होके इन द सेंस कि लोअर टी शर्ट में तो डिपार्टमेंट जा नहीं सकती हूँ, तो मेरे को अभी कुर्ता वगैरह पहन के लेसन प्लान चेक करवाने जाना है। एंड जो आज मैंने ऑब्जर्वेशन करी थी ना, उस पर भी अभी तक मैंने साइन नहीं किए हैं टीचर्स ने, उन्होंने बोला था कि जब आप शाम में डिपार्टमेंट आओ तभी आप साइन करवा लेना, तो मुझे उनसे भी साइन करवाने हैं। तो मैंने मेरा वाला बैग रेडी है, बस मुझे कपड़े चेंज करके वो बैग उठा के जाना है। तो सबसे पहले मैं रूम क्लीन करती हूँ, एंड ये लिटरली रोज़ का शेड्यूल है, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। तो बी एड जब कर रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत लाइट जा रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट है ना जब से मेरी प्रैक्टिस टीचिंग स्टार्ट हुई ना, लिटरली बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है। ऑल दो मैं मैनेज कर रही हूँ, एंड टच वुड जो मेरे मेंटोर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है लेसन प्लान को लेके, तो कुछ भी एरर होता है कुछ भी होता है तो हमको पहले बता देती है, सिर्फ डायरेक्टली रेड पेन नहीं चलाती, कुछ भी नहीं करती है। बाकी सब बच्चे मतलब जो मेरे रूममेट्स वगैरह हैं वो खुद 8-8 बजे तक डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, बट टचवुड अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल दो हमारे सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, वो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफर करती है, बट बिकॉज हम लोग का फॉर्मेट वगैरह बिल्कुल चेंज है, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती, वो मेरे बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते, तो ऐसे वाला सीन है। एंड अभी वहाँ से डिपार्टमेंट से मैं साइन करवा के आऊँगी, एंड फिर उसके बाद कल के लिए मुझे चार्ट प्रिपेयर करना है, और ना जो रोलर बोर्ड है ना उसको क्लीन करके उसको दोबारा से नए टॉपिक के इवेल्यूएशन क्वेश्चन होमवर्क वगैरह वो सब लिखना है, तो वो सब भी साथ में करेंगे। एंड आज के लिए तो यही है, मेरा टास्क था कि आज एक लेसन प्लान बनाऊँ, जो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं वॉर को लेसन प्लान नहीं बना सकती, बिकॉज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। एक तो हिस्ट्री, ऊपर से लेसन प्लान बनाने के लिए पहले पूरा आपको कंटेंट पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप लेसन प्लान बना सकते हो। फिर एक एक शब्द लिखना, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन लिखना, बच्चों से आप कौन से डेवलपमेंट क्वेश्चंस करोगे, क्या करोगे, उन सबको लिखना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो हम लोग अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं, मेरा लेसन प्लान चेक हो चुका है, लेसन प्लान की डायरी कुछ इस तरीके की दिखती है, एंड हर लेसन प्लान के इधर आपको ऐसे साइन कराने होते हैं मैम के। एंड अभी मैं जो मेरा रोलर बोर्ड है उस पर जो मुझे लिखना है वो मैं इस पर लिख रही हूँ, सो दैट कल मैं इस अच्छे से यूज़ कर सकूँ। तो यही था पूरा दिन, अभी पूरे अप्रॉक्स अभी वैसे तो 8 ही बज रहे हैं, बट मुझे बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, मुझे खाना खा के सोना है, तो लेट्स सी मैं कितने बजे सोती हूँ, बिकॉज सुबह फिर से उठना है। एंड सुबह बहुत दिक्कत की बात है कि जो भी साड़ी मैंने धोई है वो सूखी नहीं है, तो मुझे उसको प्रेस भी करना है, तो मैं सोचूँ गीली पे प्रेस कर दूँ।
लेट्स सी क्या होता है, बट दिस इज द ऑल हसल विच वी डू इन अ डे. एंड बी एड कर रहे हो बनस्थली से तो ध्यान रखो, आपको ये फेस देखना पड़ेगा. आई नो बहुत हेक्टिक होता है, बट कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिन भर में होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप जा रहे हो, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं एंड वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो फिर होता है ना कि जब उनको समझ आ रही है चीज़ें जो आप मेहनत करके जा रहे हो, तो वो सारा उस मोमेंट पे वर्थ हो जाता है. तो सारी चीज़ें एक साइड में हो जाती है, बट थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बट काफ़ी मज़ा भी आ रहा है हसल करने में. सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको ऐसे ही कुछ और अतरंगी से व्लॉग देखते हैं तो सब्सक्राइब टू द कुकी विद डोरेमोन, बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प होती है. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर. सी यू एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना लास्ट तक देखा, एंड जस्ट स्टे हैप्पी. बाय.